हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। देखिए, आज फिर से आपके लिए बहुत ही यूज़फुल वीडियो लेके आई हूँ। देखिए, इस तरह से मेरे पास एक नेट का कपड़ा रखा था, इसी का यूज़ करेंगे हम, और इसी का यूज़ करके हम एक बहुत ही सुंदर सा DIY रेडी करने वाले हैं। इसकी मेज़रमेंट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। देखिए, इधर से डबल है ये, ठीक है। जिस साइड से मैंने फोल्ड किया हुआ, यहाँ से भी मैं इसको कट कर लेती हूँ। कट करने के बाद हमें क्या करना है, एक पीस को रख देना है, दूसरे पीस की हमें कटिंग करनी है। देखिए इस तरह से, ठीक है, जिस तरह से मैं कट करती जा रही हूँ, इस तरह से कट करते जाइए। 2 मिनट में बनके हमारा ये बैग रेडी हो जाएगा। देखिए, ऊपर की साइड से 2.5 लेना, नीचे की साइड से 4.5 लेना, और यहाँ से इस तरह से गोल गले की शेप में हमें यहाँ से कट कर देना है गोलाई में, ठीक है। सेम इसी तरह हमें नीचे की साइड भी कटिंग करनी है। नीचे की साइड हमें 2.2 और 2.5 और 2.5 का पीस लेना है। देखिए, मैंने इस तरह से निशान लगा लिया, मेज़र करके भी दिखा देती हूँ मैं आपको। 2.5 × 2.5 हल्की सी गोलाई देनी है, यहाँ से भी हमें इसे कट कर देना है। इस तरह से पीस हम ये दिन में कम से कम 30 से 40 से भी ज़्यादा पीसेस हम इसे निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम इन पीसेस को बना के सेल भी कर सकते हैं। बहुत जगह इन चीज़ों इन बैग्स का यूज़ होता है, और इन्हें बनाना भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। चलिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने कटिंग कर ली है। अब कपड़े की पट्टी लेनी है, उसको डबल फोल्ड करते हुए हमें इस पर इसके तीनों मतलब गोलाई में हमें इसे स्टिच कर देना है। इस तरह से, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मशीन पे जिस तरह से मैं स्टिच कर रही हूँ, देखिए इस तरह से हमारी सिलाई लग गई है। अब कपड़े को इस तरह से फोल्ड करते हुए, देखिए इस तरह से हमें इस पर टॉप स्टिच लगा देनी है, ऊपर की साइड भी और नीचे की साइड भी। देखिए इस तरह से रखते हुए हम यहाँ पर सिलाई लगा देते हैं गोलाई में। देखिए, ऊपर की साइड भी मैंने सिलाई लगा ली है, नीचे की साइड भी हमने दोनों तरफ पाइपिंग से निकाल ली है, ठीक है। अब क्या करना है, हमें एक जो दूसरा कपड़ा था उसको लेना है और इस तरह से रखना है। दोनों की सीधी साइड अंदर की तरफ रखते हुए हमें तीन साइड से सिलाई कर देनी है। सिलाई हो चुकी है, अब एक साइड से, जिस साइड से ओपन था उस साइड से हम इसको पलट लेंगे, किनारों को अच्छे से निकाल लेंगे। तो इस तरह के बैगों का घर पर हम काफ़ी जगह यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, मैं बताऊँगी आपको कहाँ कहाँ यूज़ करना है। देखिए, एक स्ट्रिप मैंने ऑलरेडी की है, ये देखिए इस तरह से, इसकी मेजरमेंट भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है। कपड़े की पट्टी से ऊपर वाले पार्ट के रफ एजेस भी हम फिनिश कर लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से फोल्ड करते हुए हम इस पर इस तरह से यहाँ पे इस पर रखेंगे और इस पर सिलाई लगा देंगे, ठीक है। चलिए, मैं आपको मशीन पे लगा के दिखाती हूँ सिलाई। इस तरह से पकड़ लेना है और यहाँ पे इस तरह से रखना है, और ये देखिए इस तरह से इक्वल करते हुए हमें इसके ऊपर इसकी सिलाई लगानी है। देखिए यहाँ पर बिल्कुल किनारे किनारे से सिलाई लगानी है, और देखिए जो स्ट्रिप हमने रेडी की थी उसको भी हम यहीं पे लगा देंगे साथ के साथ। देखिए इस तरह से इसको रखेंगे और यहाँ पे इस तरह से ऊपर से कपड़े को रखते हुए स्टिच कर लेते हैं। पूरी लंबाई में हमें ये सिलाई लगानी है, ठीक है। तो इस तरह से मतलब बहुत सारे पीस हम घर पे बना सकते हैं और सेल कर सकते हैं। बनाने में सिर्फ 2 मिनट लगती है इसे, और बनाना आसान है। ये देखिए इस तरह से, और बहुत ही यूज़फुल होते हैं ये बैग। आजकल बड़े ट्रेंड में चल रहे हैं, घर पे हर कोई रखता है, सब्जियों के लिए, फ्रूट्स के लिए, और जिस पर्पज़ के लिए मैं बना रही हूँ वो भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। ये देखिए इस तरह से मैंने ऊपर की तरफ से भी एक हॉल किया, नीचे की तरफ से भी एक हॉल किया है। ये देखिए इस तरह से ऊपर की साइड वाला हॉल थोड़ा बड़ा किया है और नीचे की साइड वाला छोटा हॉल किया है, ठीक है। वो आपका आप पर डिपेंड करता है कि कितना बड़ा हॉल आपको बनाना है, ठीक है। तो नीचे की तरफ भी इसके रफ एजेस को फिनिश करने के लिए एक पट्टी हम लगा देते हैं, पाइपिंग से निकाल देते हैं लंबाई में। आई होप आपको मेरा ये बैग अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो मेरे साथ नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। देखिए इस तरह से धीरे धीरे नीचे की तरफ से फोल्ड करते हुए मैंने नीचे की तरफ भी इसकी प्रॉपर फिनिशिंग कर दी है, ठीक है। और इस तरह से हमारा बैग बन के रेडी हो गया। देखिए इस तरह से आप जो पॉलिथीन वगैरह हम रखते हैं तो वो अच्छे नहीं लगते, इस तरह से ऊपर की साइड से हम डाल सकते हैं और नीचे की साइड से निकाल सकते हैं। देखिए इस तरह से यहाँ से हम डाल देंगे और नीचे की साइड से हम निकाल सकते हैं। तो इस बैग में देखिए चारों तरफ काफ़ी जगह है, तो बहुत सारे पॉलिथीन हम इसमें डाल के रख सकते हैं। और इसमें ऊपर की तरफ मैंने हैंडल लगाया, तो हैंगिंग है ये, बिल्कुल आप कहीं भी डाल सकते हैं इसको। इसमें आप सॉक्स वगैरह भी रख सकते हैं, अंडर गारमेंट्स वगैरह भी रख सकते हैं, सर्दियों में टोपे वगैरह अपने जो भी होती है, ग्लव्स वगैरह भी डाल के रख सकते हैं, ठीक है। अगर ये देखो मैंने ऊपर की तरफ भी होल बनाया कि नीचे की तरफ भी होल बनाया, तो अगर आप नीचे की तरफ होल नहीं बनाएंगे, सिर्फ ऊपर ऊपर की साइड बनाएं, तो भी इसका बहुत जगह यूज़ हो सकता है। जैसे इसमें सब्जियां डाल के रख सकते हैं, आलू वगैरह, ठीक है,
जो भी सब्जी आपके घर, आप सारी सब्जियाँ डाल के इसमें रख सकते हैं। या फिर इस तरह से देखिए, फ्रूट्स वगैरह भी डाल सकते हैं इसमें आप, लहसुन वगैरह डाल के रख सकते हैं, ठीक है। तो बहुत जगह इस तरह के बैग्स का यूज़ होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।